मैं हूँ ऋचा गुप्ता, वेलकम टू घर का मैजिक। आज मैं बताने जा रही हूँ मूंग दाल रेसिपी। मूंग दाल रेसिपी में मैं बनाऊंगी मूंग की दाल की खस्ता कचौरी, लेकिन मूंग दाल खस्ता कचौरी को मैंने नया रूप देकर मूंग दाल मटका बनाया है। इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर यूज किया है, हींग का पानी यूज किया है और देखने में बहुत खूबसूरत, खाने में टेस्टी होगा। मूंग की दाल तो वैसे भी स्वादिष्ट, टेस्टी एवं सुपाच्य होती है। इसे बनाना भी बहुत इजी है। आपके यहाँ होली हो, दीपावली हो, कभी कोई फेस्टिवल हो तो आप ये मूंग दाल मटका बहुत इजी से बना सकते हैं। मूंग दाल मटका बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक प्याली मैदा, एक प्याली मैदा लिया है। इसमें मैं डालूंगी नमक हल्का सा, मंगरैल, इसको कलौंजी भी कहते हैं, ब्लैक पेपर, मयन के लिए घी, घी रिफाइंड जो भी आप यूज़ करते हैं। अब इसे मैं हाथ की सहायता से ऐसे मिलाऊंगी, अच्छी तरह से ये मिल जाएगा। मिलाने के बाद ऐसे मुट्ठी बना के देख लेंगे। ये देखिए मुट्ठी बनने लगा है, अब अच्छा सा मोयन तैयार हो गया। ये हल्का सा पानी का छींटा लगाते हुए इसको आटा तैयार कर लेना है डो। ये मैदा गुन के तैयार हो गया है। अब इसमें से मैं एक लोई मैदा इस तरह लूँगी। इसमें मैंने लिया है ये खाने वाला, जैसे बूंदी का कलर होता है, हलवे का कलर होता है, वैसे ये खाने का ग्रीन कलर भी आता है। ये मैंने ग्रीन कलर लिया है, आप रेड भी ले सकते हैं। देखिए ग्रीन कलर लिया है, ये ग्रीन कलर एक लोई के आटे में हल्का सा एक बूंद पानी का छींटा लगाते हुए इस लोई को ग्रीन तैयार कर लूँगी। अब इसको आटे को ढक के मैं 5 मिनट के लिए रख दूंगी। ये सेट हो रहा है आटा। जब तक यहाँ पे मैं इसके फिलिंग के लिए दाल बना रही हूँ। ये मूंग की दाल मोट है, जिसे मूंग की नमकीन भी कहते हैं। इसको मैंने मिक्सी में पीस के इस तरह बना लिया है पाउडर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर आप कम या ज़्यादा अपने अनुसार ले सकते हैं, खट्टा ज़्यादा पसंद है। गरम मसाला थोड़ा सा कम, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक काला नमक, और मैं यहाँ ले रही हूँ हींग का पानी। इसको मैंने पहले से हींग को पानी में भिगा दिया था, इसे मिला रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी और टेस्ट भी कर लूँगी। नमक कम या ज़्यादा हो तो आप और डाल सकते हैं। अब ये फिलिंग के लिए ये तैयार हो गया है। अब कैसे मैं बना रही हूँ ये बताने जा रही हूँ। आटा भी सेट होके तैयार हो गया है हमारा। इसी तरह मैं छोटी छोटी लोइयाँ बना के छोटी छोटी लोइयाँ बना के इसे बेल लूँगी। अब ये सारे बिल गए हैं। इसी तरह मैं ये ग्रीन कलर डाल के जो हरे रंग का जो ये लोइयां बनाई थी आटा, अब इसे भी बेल लूंगी।
मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर दिया है, घी गरम हो रहा है। गैस ऑन कर दिया है, घी गरम हो रहा है। अब ये ग्रीन लोइयाँ पक गई हैं, अब उसे मैं पतली पतली पट्टियाँ काटनी है। अब इसको इस बेले हुए लोई को पूड़ी को लेकर मैं इसमें फिलिंग के लिए एक चम्मच ये मूंग की पीसी दाल को लूँगी। फिर हल्का सा इसको देखिए इस तरह बनाना है, ये इस तरह दबाते हुए पुश करना, ये देखिए ये। अब हल्का सा पानी लगा के इन पट्टियों को मुझे यहाँ ये रोल रोल राउंड में ये तैयार हुआ। इसी तरह दूसरा दिखा रही हूँ, ये पूड़ियाँ बेली हुई ली, इसमें ये पीसी हुई मूंग की दाल का बेगर रखा, फिर इसको मिलाते हुए ये इसको पुश करके दबाऊंगी, ये सब चिपक गया। अब इसमें पानी लगा के पानी की सहायता, पानी इसलिए लगा रही हूँ कि ये अच्छे से चिपक जाए। ये पट्टियाँ जो ब्लैक ग्रीन कलर की मैंने बेल रखी थी काट के, ये देखिए इसे राउंड राउंड ये। इसी तरह मैं ये तीसरा भी ले रही हूँ, पहले ये पूड़ियाँ ली बेली हुई, फिर इसके अंदर फिलिंग के लिए बेकर रखा, फिर इसे ऐसे ये देखिए ये ऐसे मैंने पुश करके ये दबाया, ये इस तरह कर रही हूँ। अब ये पानी लगाकर हल्का सा इन पट्टियों को मैं उठाऊँगी और इसे राउंड राउंड में ये इसी तरह मैं सारा कर लूँगी। ये देखिए अब घी गरम हो गया है, मैं इसे चेक कर रही हूँ, बिल्कुल स्लो पे रखना है, आंच कम रखना है। इसी तरह करके मैं एक एक ये डालती जाऊंगी। ये मैंने इसके अंदर पीसे हुए बेगर को रखा, फिर ये देखिए फिलिंग करने के बाद इसे इस तरह पुश करके दबाया, दबाने के बाद यहाँ मैंने पानी लगाया, फिर इसको पानी लगाने पानी इसलिए लगाया कि ये पट्टियाँ चिपक जाएं, घी में जाने के बाद खुले नहीं। ये देखिए ये पट्टियाँ लग गई, और फिर इसको इस तरह दबा के चिपका दिया तो इसका जो फिलिंग किया है वो बाहर ना निकले। मैं एक बार फिर दिखा रही हूँ, ये देखिए ये पूड़ियों पे मैं फिलिंग का दाल रखा, फिर इसे इस तरह ये इस तरह मैं पुश कर रही हूँ, ये दबा रही हूँ, ये चिपक गया। फिर पानी लगा के ये जो बेली हुई ग्रीन पट्टी थी ये इस तरह चिपका के मैं पुश करके दबा दे रही हूँ। एकदम स्लो आंच पे मुझे यहाँ पे तलना है। ये हल्का सा ये देखिए गुलाबी हल्का सा सिक्के तैयार हो गया है। इसको मैंने एकदम स्लो आंच पे बिल्कुल तैयार तला था इसको डीप फ्राई में। दाल मटका या मूंग दाल खस्ता कचौरी बनके तैयार हो गया है, जिसे मैंने एक अच्छे से बाउल में निकाल लिया है और इसे डेकोरेट कर दिया है और इसे सर्व करने के लिए तैयार है।
अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।